myself Sakshi Mewara and my age is 24 और मैं राजस्थान के रहने वाली हूँ अजमेर के पास। ओके, आपको साक्षी इस सेंटर की इन्फॉर्मेशन कब और कहाँ से आई, स्टैम्बलिंग रिलीफ सेंटर की? मैंने ये ऑनलाइन सर्च किया था और मैंने ये पिछले साल भी किया था, बट समहाउ मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया इतना और पता नहीं मैं सब भूल भी गई थी। फिर अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन मुझे था कि मुझे स्पीच करनी है, क्योंकि बाय द टाइम मेरी स्पीच बहुत ज्यादा मतलब ठीक नहीं थी, ऑल्दो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ बट इतना बेनिफिशियल नहीं था। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो फिर मुझे फिर से ये वो लिंक जो मैंने पिछले साल देखा था वो साल वापस मेरे सामने आया। ओके ओके, क्या आज तक आपका कभी इलाज हुआ है स्टैमरिंग से रिलेटेड इस सेंटर के अलावा कहीं और से? हाँ, 2012 में मेरा हुआ था और एक रिसेंट 2019 में हुआ था, पर वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए हुआ था क्योंकि मैं समहाउ उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ओके ओके, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है और मुझे रीडिंग पसंद है और मुझे नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, नया फूड ट्राई करना पसंद है। मतलब हर चीज जो लाइवली है, घूमने फिरने वाली, जो बेसिकली हर इंसान को खुश करती है, मुझे वो सारी चीजें पसंद है। ओके, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या हैं? विच इज योर फेवरेट फूड? सी आई एम प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेज मैंने काफी साल पहले छोड़ दिया था, आई थिंक 7 or 8 years पहले। और बेसिकली मुझे नॉर्थ इंडियन बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब उसमें कुछ भी। ओके, आपका एम क्या है लाइफ में होना? मेरा एम यह है कि ऑब्वियसली आप खुद के लिए तो सभी इंसान करते हैं और करना भी चाहिए, पर मैं खुद भी इतनी सक्षम हो जाऊं कि मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं, एज सिंपल एज दैट। ओके वेरी गुड, हु ऑल यू हैव इन योर फैमिली? सॉरी सर, हु ऑल यू हैव इन योर फैमिली? फैमिली में और कौन कौन है आपकी? या आई हैव माय पेरेंट्स, माय ब्रदर एंड माय यंगर सिस्टर, माय एल्डर ब्रदर एंड माय यंगर सिस्टर। ओके, सो यू हैव वन एल्डर सिबलिंग एंड वन यंगर सिबलिंग? या। ओके, व्हाट इज योर एजुकेशन एज ऑफ नाउ? आई हैव डन माय BHMS, दैट इज होम्योपैथी, एंड सो आई एम अ डॉक्टर। वेरी गुड, एंड आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर माई न्यू MD कोर्सेज एंड माई न्यू जॉब्स। ओके फाइन, सो नाउ वी विल सी द चेंज इन योर साउंड आफ्टर द कोर्सेज ओवर, राइट? या थैंक यू।